सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का ये फुल पूरा देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगी अच्छे तरीके से। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? थोड़ी नॉइस आ रही है ना यहाँ पे, इसीलिए मैं मेरा वीडियो को बनाने का मन नहीं करता। जब भी वीडियो बनाने चलो तो ज़रूर नॉइस आने लगती है, यहाँ पे काम होने लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओआरएस। तो ओआरएस का फुल फॉर्म जो होता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। आशा का फुल फॉर्म पूछा था, जिसमें कि आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविजिट होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब इसमें पूछा था कि लेप्रोसी जो रोग होता है उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो उसके बैक्टीरिया का जो नाम है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो ग्वाइटर कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो 1962 में स्टार्ट हुआ था। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं ऐसे ही लिख दी हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये मैच द फॉलोइंग था। तो मैच द फॉलोइंग जो होता है उसमें आपको भी ऐसे मिलान नहीं करना है कि ये वो लिख के, इस तरीके से नहीं करना है, बस ऐसे सामने सामने ही लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वास्थ्य शिक्षा किस तरीके से दिया जा सकता है? तो नुक्कड़ नाटक खेल कर हम स्वास्थ्य शिक्षा को दे सकते हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो वो 1987 में चला था। एड्स जो होता है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है और ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। डॉट्स डॉट्स किस में दिया जाता है? तो डॉट्स जो होता है वो टीबी रोग से बचाव में एक डॉट्स थेरेपी होती है, उसमें दिया जाता है। अच्छा, जो टीबी जो होता है वो बच्चों में पहले से ही बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो कि 0.05 ml के रूट पे लगाया, जो कि 0.05 ml लगाया जाता है और ये इंट्राडर्मल लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम होता है ये किसकी वजह से, मतलब कौन सी बीमारी कॉज करता है? तो मलेरिया। और मलेरिया जो बीमारी होती है मच्छर के काटने की वजह से होती है, मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया रोग होता है। वही बात करें कि डेंगू की, तो डेंगू जो रोग होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से होता है। दोनों ही जो बीमारियाँ हैं डेंगू और मलेरिया, दोनों ही मच्छर के काटने की वजह से होती हैं, जिसमें डेंगू में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन तब होती है जब उसमें प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है और बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो बहुत व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो डेंगू में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो स्थिति है वो बनाए रखना चाहिए, तो उसी के लिए खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और हर एक चीज पे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल मलेरिया जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1953 में चलाया गया था। अच्छा, जो ये कंट्रोल्स प्रोग्राम्स होते हैं वो किस लिए चलाए जाते हैं? वो इसलिए चलाए जाते हैं जिससे कि किसी भी बीमारी पे रोक लगाया जा सके। तो ये भी 1953 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को चलाया गया था जिससे कि मलेरिया पे रोक लगाया जा सके, मलेरिया के जो बढ़ते केसेस हैं उन पर छुटकारा मिल सके और उन्हें रोका जा सके। फिर सॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि सॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के होते हैं। आप लोग को पता ही है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में, कि मेरा लिखने का बिल्कुल ही इरादा नहीं था, लेकिन आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लिख के पढ़ाइए, तो मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लिखी हूँ। तो आप लोग हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं रात में सोते टाइम लिखी हूँ, तो आप समझ सकते हैं बहुत जल्दी में लिखी हूँ, ठीक है? तो किसी कार्य अथवा घटना को रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट की बात किया, फर्स्ट क्वेश्चन था रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट क्या होते हैं, तो उन्हीं को देखते हैं। तो किसी कार्य अथवा घटना को परिणाम के रूप में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसे लिख कर रखना अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख किसे कहते हैं, जिसको रिकॉर्ड कहते हैं? रिकॉर्ड किसे कहते हैं? जब भी कोई कार्य हुआ रहता है उसकी घटना को, जो भी घटना हुई रहती है वो जो परिणाम निकलता है उसका, उसी को क्या करना कि सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिख कर जब रखा जाता है तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। स्वास्थ्य के सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य की उन्नति, स्वास्थ्य समस्याओं के निपटान, संतोषजनक स्वास्थ्य सेवाओं के, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, सेवाओं के संचालन हेतु रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ये रिपोर्ट्स जो होते हैं वो रजिस्टर में पंजीकृत के रूप में तैयार किए जाते हैं। इन रजिस्टर में लिखे गए तथ्य ही रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। देखो, जो रिकॉर्ड्स होता है ना,
जैसे कि रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट लिखी जाती है, कोई भी पेशेंट आता है तो रिपोर्ट वो लिखी जाती है, तुरंत रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन जब वही रिपोर्ट्स क्या होती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक वही रिपोर्ट्स रखी रहती है, तो वही रिपोर्ट जो होती है वो रिकॉर्ड का रूप ले लेती है। तो वही रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है स्वास्थ्य केंद्रों पर, ये रिपोर्ट जो होती हैं वो रजिस्टर में पंजीकृत के रूप में तैयार किए जाते हैं। इन रजिस्टर में लिखे गए तथ्य क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड कहलाते हैं। मतलब कुछ दिन बाद जो रिपोर्ट्स होती है वो रिकॉर्ड का रूप ले लेती है। रिपोर्ट्स क्या होता है, तो रिपोर्ट जो होता है वो किसी घटना, परिस्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति के बारे में लिखित या मौखिक दिया गया विस्तृत स्टेटमेंट होता है। मतलब जो रिपोर्ट्स होता है ना, वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन जो रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड जो होता है वो लिखित ही होता है। मौखिक दिया गया विस्तृत स्टेटमेंट होता है और स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन और अनुसंधान में अत्यधिक इसका महत्व होता है। यह संचार का प्रभावी माध्यम है। मतलब कम्युनिकेशन इसके थ्रू अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जब आपके पास किसी का भी रिपोर्ट होगा अच्छे तरीके से, तो आप पहले ही उसके बारे में जानते रहेंगे, जिसकी वजह से आप उससे कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह संचार का प्रभावी माध्यम होता है और रिपोर्ट्स दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक, वार्षिक, इन सब तरीके से भी होता है। तो रिपोर्ट्स एक संग्रह, जब रिपोर्ट्स क्या होता है कि रिपोर्ट्स काफ़ी दिन तक रखा रहता है तो वही रिकॉर्ड्स का रूप ले लेता है, मैंने पहले ही बताया। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये मासिक भी हो सकते हैं, त्रैमासिक भी हो सकता है, बहुत लोग मंथली रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, बहुत लोग अर्धवार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और सब सेंटर पे आप जब रहते हैं तो आपसे मांगा भी जाता है कि डाटा की मासिक रिपोर्ट दो। मासिक रिपोर्ट में ये सब चीज़ें जैसे कि कितने कम्युनिकेबल डिजीज हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, कितनी कॉपर्टी लगे, कितना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा, तो इन सब चीज़ों की जो वर्णन होते हैं, सब चीज़ों का जो अभिलेख होता है वो इसमें लिखा जाता है। बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन की, तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा को सभी स्तर पर विकसित करना एक अनिवार्य विषय है। हेल्थ एजुकेशन मतलब होता है लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा फैलाना। तो स्वास्थ्य शिक्षा को सभी स्तर पर विकसित करना एक अनिवार्य विषय है, बिल्कुल अनिवार्य विषय है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अपने वो समाज में अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है और अपनी फैमिली के बारे में भी अच्छे तरीके से सोच सकता है। किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि कोई व्यक्ति आकर उसकी फैमिली में कि ट्रीटमेंट दे। अगर वो पहले से ही उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज रहेगा कि इस तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य को सुधार कर रखना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके घर में कोई जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब व्यक्ति शिक्षित रहेंगे तो वो अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी ही, वो हर जगह जगह जाकर उनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाएगी। तो एक अनिवार्य विषय है, कम्युनिटी हेल्थ की कुंजी स्वास्थ्य शिक्षा ही होती है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ मतलब कम्युनिटी में, समुदाय में क्या होता है कि समुदाय की जो स्वास्थ्य की कुंजी होती है ना, वो स्वास्थ्य शिक्षा ही होती है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा आप दिए हैं अच्छे तरीके से, तो उस समुदाय का विकास अच्छे तरीके से होता है। तो एक कुंजी की भांति ये होता है। डिफिनेशन की बात करें तो प्राप्त स्वास्थ्य के ज्ञान को इच्छुक व्यक्तियों और सामुदायिक व्यवहारिक तरीके में शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा पहुँचाना। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब आपके पास जितने भी ज्ञान हैं उनको क्या करना कि इच्छुक व्यक्ति, जो इच्छुक हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं कि हाँ इस बीमारी से क्या होता है, हमें कैसे बचा जा सकता है, तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनको क्या करना है कि सामुदायिक व्यवहारिक तरीके से, ऐसा नहीं कि आप लेक्चर झाड़ के चले गए, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उनको व्यवहार में किस तरीके से आप व्यवहारिक तरीके से बता सकते हैं, उसमें आप नुक्कड़ नाटक को भी शामिल कर सकते हैं और बहुत सारी प्रक्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। तो व्यवहारिक तरीके से उनको क्या करना है, उनको शिक्षा प्रदान करना है कि हाँ इस तरीके से आप तो इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, तो उनको व्यवहारिक तरीके से समझाना है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो लोगों के स्वास्थ्य अभ्यासों में परिवर्तन और इन परिवर्तनों से संबंधित ज्ञान व विचारों को प्रभावित करती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या करती है कि स्वास्थ्य अभ्यास से, मतलब जो भी स्वास्थ्य का अभ्यास किया जाता है, कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। लोगों की अंदर जो भावनाएं होती हैं, वो जो अवधारणाएं होती हैं स्वास्थ्य के प्रति, उनको बदला जा सकता है। एक अच्छे मार्ग पर स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा रह सकता है, उनको लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि
भारतवर्ष में अधिकतर लोगों के बीमार पड़ने का कारण अनेक द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना या इन नियमों की व्यवहारिकता में अंतर होना है। उद्देश्य स्वास्थ्य ज्ञान और स्वास्थ्य व्यवहारों के का मध्य पुल बांधना है। देखो हमारी इंडिया में क्या होता है ना कि बहुत लोगों को स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज ही नहीं रहता, जैसे कि वो 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं हैं। तो जैसी बात है, अगर आप 10 दिन तक नहीं नहाएंगे तो मतलब खुजली वगैरह होगी और स्कैबीज हो जाएगा, स्किन पे बहुत सारे रेशेस हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष में आसपास क्या होता है कि सब लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं, ये नहीं सोचते कि थोड़ी दूर पे जाकर डालें। ये कचरा डालेंगे कि कल को यहाँ पे मक्खी बैठेगी और वो मक्खी हमारे खाने में आकर गिरेगी, मच्छर पनपेंगे, तो उससे हमें ही बीमारियाँ फैलेंगी। तो इसी वजह से स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट को साफ कर सके और अपनी जो दैनिक गतिविधि है उसमें परिवर्तन ला सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके, जिससे बीमारियों से बच सके। फिर क्या है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में संचालन में नर्स की भूमिका क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में के संचालन में नर्स की भूमिका क्या होती है। तो नर्स की बहुत सारी भूमिका होती है भाई, अगर कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है अगर वो उसमें नर्स ही भूमिका नहीं निभाएगी तो फिर कौन निभाएगा, तो फिर वो कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता अगर नर्स भूमिका नहीं निभाती है। तो वही बात है कि कौन कौन से भूमिकाएँ होती हैं। तो सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय योगदान देना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। कोई भी अगर नेशनल प्रोग्राम्स की ऐसी एक्टिविटी चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें एक्टिव खुद को रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम भाई नहीं आ सकते, कल मेरा एब्सेंट है, हम इसमें भाग नहीं ले सकते, इतनी धूप में हम नहीं कर सकते। तो ये सब नहीं करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करना, मतलब ऐसा जो भी आप स्वास्थ्य प्रोग्राम आपका चलने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो वहाँ के व्यक्ति हैं, जो समुदाय के व्यक्ति हैं, उनको भी एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो उस स्वास्थ्य प्रोग्राम का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी वो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो आप कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं वो तो लोगों को शिक्षा देने के लिए करने वाले हैं, तो जब कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे जब लोग आएंगे देखेंगे तो ही वो को शिक्षा मिलेगी। तो यही सब बातें हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, सभी कार्यक्रम की आवश्यक सूचनाएं समय से और नियमित रूप से उचित स्थान पर भिजवाना। तो देखो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते बाद अगर कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलने वाला है तो उसका एक हफ्ते पहले से ही प्रचार प्रसार स्टार्ट कर देना चाहिए। आंगनबाड़ियाँ होती हैं और जो सहायिकाएँ होती हैं उनके थ्रू, आशा के थ्रू पहुँचवा देना चाहिए सबके घर घर पे कि हाँ इस दिन ये प्रोग्राम होने वाला है, और समय से देना चाहिए। ये नहीं कि कल प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हैं, सुबह 8 बजे का प्रोग्राम है, आप रात में भिजवा रहे हैं कि हाँ कल प्रोग्राम है, या फिर 8 बजे प्रोग्राम होने वाला है, आप 8 बजे भेज रहे हो सबको कि जाओ बता दो कि यहाँ पे आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा है। तो किसी के पास तुरंत टाइम थोड़ी होगा कि हाँ तुरंत कूद पड़ेगा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देखने के लिए, उसको समय से बताना चाहिए ना, जिससे कि लोग अपना टाइम मैनेज कर सकें, वही कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब सेंटर में संग्रहित किए जाने वाले रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सब सेंटर मतलब क्या होता है कि सब सेंटर मतलब एक उपकेंद्र होता है, और उसमें कौन कौन से ऐसे रजिस्टर हैं जो संग्रहित किए जाते हैं। देखो जो सब सेंटर होता है ना, पहले मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दूं आप लोगों को। तो सब सेंटर में 3,000 से 5,000 की जनसंख्या होती है, जिसमें कि 3,000 जनसंख्या जो होती है वो हिली एरिया जिसको हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं वहाँ पे कवर करती है, और वहीं 5,000 की जनसंख्या जो होती है वो मैदानी क्षेत्र में कवर करती है। और यहाँ पे एक नर्स भी, नर्स की भूमिका रहती है जो कि एनम सब सेंटर पर कार्य करती है। एक एनम जो होती है वो एक सब सेंटर पे को कवर करती है, मतलब 5,000 की जनसंख्या पे एक एनम रहती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। वो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं वो उपलब्ध रहते हैं वो बात करते हैं। तो गर्भ निरोधक सहित योग्य दंपत्ति रजिस्टर, मतलब जितने भी गर्भ निरोधन का प्रोग्राम हुआ है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कोई लगवाया है या फिर कोई ओरल स्किल्स लिया है, इन सब के रूप में आपको वो चीज़ें रजिस्टर में इंक्लूड करना है कि हाँ मेरे पास से इतनी चीज़ें गई हैं, और जितने भी योग्य दंपत्ति हैं उनका भी रजिस्ट्री करना है। जन्म पूर्व, जन्मकालीन और जन्मोत्तर जितनी भी रजिस्टर्ड, मतलब जन्म से पहले कितनी महिलाएं हैं, जन्मकालीन कितनी महिलाएं भी हो चुकी हैं, और जन्मोत्तर मतलब कौन सी कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, तो इन सब के बारे में भी जो रजिस्टर है वो होना चाहिए। और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ राइट्स,
तो मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ की राइट्स क्या क्या हैं उनके भी बारे में रजिस्ट्री होना चाहिए। अच्छा, आवाज़ जा रही है कि नहीं? मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए फिर आगे का वीडियो कल बनाते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि अगर आपको अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।